हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। आज हम बनाने वाले हैं फ्राई फिश इन एयर फ्रायर, यमी एंड जूसी स्पाइसी फिश बनाएंगे एयर फ्रायर में। तो चलो, उसके लिए मैंने क्या लिया है, पहले मैंने एक फिश ली है, उसको मैंने अच्छे से साफ करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा नमक लिया है, इसमें थोड़े चिली फ्लेक्स, हल्दी, चाट मसाला, ऑरिगेनो और मिर्ची, और हमें उसमें ऑयल भी थोड़ा ऐड करना है। तो चलो करके दिखाते हैं। पहले हम फिश को स्लाइड में काट देंगे, मगर थोड़े थोड़े ही, ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए, ऐसे। ऐसे ही हम इस साइड से भी इसको काट देंगे, मगर स्लाइड में। तो यहाँ से मैंने इसको सारे काट्स लगा दिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हम इन सारे मसालों को ऑयल में मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, अब हम इसमें थोड़ी सी मिर्ची ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चाट मसाला, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लेंगे। मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लेना, आप कितना तीखा खाते होंगे, तो वो थोड़ी सी हल्दी लेंगे। अब हम इन सारों को ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे। ये मसाला सारा इस फिश के कट्स में डालेंगे, अंदर से भी बाहर से भी अच्छे से सारा कुछ मसाला डालना है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको मसाला अच्छे से अंदर से भी और बाहर से भी लगा दिया है। अगर आप बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो और वो तीखा कम खा रहे हैं या गार्लिक जिंजर नहीं खा रहे हमारे बच्चों की तरह, तो फिर आप अवॉइड ही कीजिएगा। हाँ, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप जिंजर गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसको ओवन में बनाना है और मिर्ची के बगैर, तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट करना, मैंने वहाँ पर बिना मिर्ची के, बिना ऑयल के ओवन की रेसिपी डाली है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। आप एक बार इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलो, अब हम इसको एयर फ्रायर में रख देंगे। ये मैंने एयर फ्रायर यहाँ से ऑन कर दिया है, इसको ऑन करेंगे। यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे और यहाँ से इसका टाइम। मेन्यू में जाएंगे, हमें फिश बनाना है तो हम इसको और एक क्लिक कर देंगे, और एक क्लिक। तो चलो, हम इसको पहले बनाने जाएंगे। इसको हम पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे नीचे से, अब हम फिश को इसमें रख देंगे अच्छे से। देखो, चलो अब हम इसको अंदर डाल देंगे और हम अपने एयर फ्रायर को ऑन कर देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको चेक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देंगे और हम इसको चेक करेंगे। देखो, फिश बन रहा है, बीच बीच में आप ऑयल से ग्रीस कर सकते हो ऊपर से। चलो, हम फिर से इसको अंदर डाल देंगे।
हमारा फिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। देखो कितना यम्मी दिख रहा है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे फिर बोलिएगा कि कैसा लगा। चलो अब हम इसको निकाल। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको निकालने वाली हूँ। इसको निकालना ध्यान से, ये बहुत गर्म होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फिश को निकाल के प्लेट में रख दिया है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना यम्मी दिख रहा है। अब हम इसको सैलेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ सैलेड भी इसके साथ रख दिए। इसको मैं ऊपर से नींबू छिड़कती हूँ सैलेड को, थोड़े नींबू साथ भी रखेंगे। ऐसे आपको इसको सर्व करना है। देखो कितने दिखने में ही कितना अच्छा टेस्टी यम्मी लग रहा है। स्पाइसी भी है, यम्मी भी है, जूसी भी है। आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।